नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राहुल कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। उनका दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो 15 मिनट के भीतर चीन के सैनिकों को उठाकर 100 किलोमीटर उठाकर पीछे फेंक देते। इधर राहुल गांधी ने यह दावा किया और उधर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी असली 56 इंच वाले नेता है देश में भैया। यानी सियासी लड़ाई अब 56 इंच पर आ गई है। हालांकि नोटबंदी, जीएसटी, किसान और कश्मीर से चौकीदार चोर है तक हर बार कांग्रेस और राहुल गांधी को सियासी तौर पर मुंह की कई बार खानी पड़ी है। हाथरस पर भी जमकर सियासत दो दो हाथ हो रहे हैं। लेकिन वहां दंगे की साजिश का खुलासा हो गया। कांग्रेस भी बैकफुट पर अब नजर आ रही है। दूसरी तरफ गुजरात के सीएम से देश के प्रधानमंत्री तक बिना ब्रेक के 20 साल से सरकार के प्रमुख रहने का अनुभव। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तीन तलाक का खात्मा, 370-35A को उखाड़ फेंकना के दम पर बीजेपी दावा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा सवाल यही है कि 56 इंच का जोर किस नेता में है। इसी पर होगी आज सबसे बड़ी बहस। 56 इंच वाला नेता कौन, देश भी जवाब देगा आज। और व्यूअर्स, मेरा अनुरोध है कि आज की इस राजनीतिक बहस में आपको बड़ा, वाकई कुछ बड़ा दिखेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई। कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश में, इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देते। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस दावे तक नहीं रुका। इधर राहुल गांधी ने दावा किया और उधर कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस आईटी सेल के हेड रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया, असली 36 इंच की नकली 36 इंच को चुनौती। दावा बड़ा है तो सियासत में टकराव भी तय है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 370 और 35A के खात्मे से लेकर तीन तलाक को उखाड़ फेंकने तक बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि कड़े और बड़े फैसलों के मामले में कोई भी नेता पीएम मोदी की टक्कर में नहीं है। ऊपर से गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक बिना ब्रेक के 20 साल से सरकार के प्रमुख रहने का अनुभव। वो बालकोट हो या पुलवामा हो, वहाँ पर आतंकवादियों का सफाया हमारे सुरक्षा बलों ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से हुआ। तब इन्होंने क्या बोला था, तब ये सबूत मांग रहे थे और ये सवाल कर रहे थे। भैया, अपने मम्मी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय आपने आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के लिए क्या किया, पहले वो हिसाब दो। 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसान तो कभी रफाल के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे। लेकिन कांग्रेस का हर दांव धराशाही हो गया। इसके बाद मुद्दा आया हाथरस का। राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी हुई। हाथरस के मुद्दे पर सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी को घेरने की कोशिश हुई। लेकिन पीएफआई के दंगे वाली साजिश का पर्दाफाश होने के बाद यहां भी कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। खड़यंत्र करके दंगों की, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था, अराजकता, आगजनी, तोड़फोड़, इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। हाथरस के मुद्दे पर न्याय और लोकतंत्र का मुद्दा बुलंद करने वाले नेताओं के सियासी चरित्र पर बंगाल को लेकर भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या होती है,
तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाला कोई नेता न सवाल पूछता है न बंगाल जाता है। लेकिन आज असली मुद्दा ये है कि आखिर देश में 56 इंच के सीने वाला असली नेता कौन है। इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी बहस। 56 इंच वाला नेता कौन। और अब विश्लेषण, 56 इंच के सीने की सियासत का विश्लेषण सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला सामान्य बात नहीं थी। 370 को उखाड़ फेंकना कश्मीर की तरक्की के लिए सबसे बड़ा कदम था। 3 तलाक का अंत करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी आजादी थी। आज भी पूरे विपक्ष में मोदी के मुकाबले कोई बड़ा पॉलिटिकल चेहरा नहीं है। सिर्फ राजनीति नहीं, मोदी के पास 20 साल का सरकार चलाने का अनुभव है जो बहुत बड़ा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का हर दांव फेल साबित हुआ है पॉलिटिकली। क्या प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबले में राहुल गांधी का पलड़ा भारी है? क्या वाकई राहुल गांधी 56 इंच के हैं और नरेंद्र मोदी कायर है, जैसा राहुल गांधी का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है? मैं बात करने के लिए सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ आज एक धुरंधर पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे अभय दुबे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ नेता एसडीपीआई के तस्लीम रहमानी है। काफी सारे सवालों के घेरे में इनकी पार्टी है। संगीत रागी है, संघ के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है पेशे से। मेरे साथ संजय गुप्ता है शिवसेना के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अभय दुबे आपसे करता हूं। आपको देश का प्रधानमंत्री कायर क्यों दिखाई देता है, आपके नेता को जरा 50 सेकंड में, 1 मिनट में बताइए। अमीश देवगन जी, 56 इंची सीने का हाल देखिए, जीडीपी -24 कमाल देखिए, बेरोजगारी से देश बेहाल देखिए, किसानों पर काले कानून के प्रहार देखिए, बेटियों की लुटती लाज, हर चौराहे पर आप ये हाल देखिए, और सीमा पर चीन का बवाल देखिए, फिर भी पूछते हो राहुल जी से सवाल देखिए। मैंने बहुत कोशिश की प्रधानमंत्री जी 56 के कहां से ये देखने की, क्योंकि जीडीपी की दर -24%, बेरोजगारी की दर 9.1%, महिला अपराध 7% से बढ़ गए, किसानों की आत्महत्या 6% से बढ़ गई। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री 56 के कैसे हैं? फिर मुरली मनोहर जोशी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी 56 के हैं, 56 साल में सबसे कम सेना का बजट कर दिया। फिर एनएसएसओ ने बताया कि 56 साल में सबसे कम रूरल कंजम्पशन हिंदुस्तान में हो गया। फिर आरबीआई ने बताया कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 56 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। फिर यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि 56 साल बाद ऐसा हुआ है कि 40 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेले। लेकिन बिल्कुल, मैंने आपको 1 मिनट दिया था, आपने 1 मिनट 40 सेकंड लिया, लेकिन कायर का जवाब नहीं मिला। यानी राहुल गांधी के कायर वाले बात को आप भी अपने 1.5 मिनट के वक्तव्य में डिफेंड नहीं कर पाए। अब आपका समय पूरा हो गया, अब संबित पात्रा की बारी है। मैंने कायर पे सवाल पूछा था, देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला गया है। मैंने पूछा देश का प्रधानमंत्री कायर कैसे है। आखिरी 10 सेकंड ना, अब आपको और 10 सेकंड चाहिए राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए। 1.5 मिनट में तो हो ना पाया अभय जी। अब बाकी आप संबित पात्रा को भी आने दीजिए, फिर मैं आपको आगे मौका दूंगा अभय जी। संबित पात्रा, देश का प्रधानमंत्री कायर है, असली 56 इंच। अबे जी, ये मुनासिब नहीं होगा, आप समझदार आदमी है। संबित पात्रा, देश का प्रधानमंत्री कायर है, असली 56 इंच वाला नेता तो राहुल गांधी है, और भी बहुत कुछ कहा गया। 15 मिनट में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उखाड़ फेंक देते चाइना को, हम चाइना की फौज को। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए कायर है देश का प्रधानमंत्री। अभी मैंने कविता भी सुना कायरता के ऊपर कविता सुना। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो घिसा हुआ टायर है, घिसा हुआ टायर। मैं तो कायर भी नहीं कहता हूँ, घिसा हुआ टायर है। अरे कभी खाट यात्रा करके लॉन्च, तो कभी सोफा कम ट्रैक्टर करके लॉन्च, तो कभी अखिलेश यादव के पीछे साइकिल में बैठा करके लॉन्च। अरे लॉन्च ही लॉन्च भैया, मैं कह रहा हूँ और मैं 6 साल से कह रहा हूँ कि ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकता है, इसमें फ्यूल नहीं है, कुछ भी कर लो फ्यूल ख़त्म है, ये लॉन्च नहीं हो सकता है। और आज से मैं, ये कायर कहते प्रधानमंत्री को, आज से मैं राहुल गांधी को घिसा हुआ टायर कहूँगा।
अरे जो टायर लॉन्च नहीं हो पा रही है, घिसते घिसते ये दूसरों को देश के प्रधानमंत्री को कायर कहते हैं, वह भी जब जब सीमा में किसी प्रकार की तनातनी चल रही है। कायर क्या होता है मैं बताता हूँ, कायर वो होता है जब देश और दूसरे देश के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा हो डोकलाम में, और आपका पूरा वाड्रा कुनबा जो है चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अच्छा। वो होता है कायर। कायर होता है वो जब स्टैंड ऑफ चल रहा होता है 2008-09 में, तब आप माँ बेटे जाकर शी जिनपिंग के साथ पैसा लेकर वहां करार MOU साइन कर रहे होते हैं, वो होता है कायर। और केवल कायर ही नहीं, देशद्रोही भी, कायरता के साथ साथ देशद्रोही भी है ये घिसा हुआ टायर। और आगे से मैं राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं कहूंगा, मुझे माफ करिएगा, मैं उसे घिसा हुआ टायर ही कहूंगा। तीसरी बात है, कायर वो होता है जो ऐसी परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि कहां छुपा हुआ है प्रधानमंत्री, डरा हुआ है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छुपा हुआ है, इंडिया ने सरेंडर कर दिया है। अरे इंडिया ने सरेंडर किया है? आपको प्रधानमंत्री, भारत की सेना, भारत की सेना के वीरता किसी पर भरोसा नहीं है? ये वही घिसा हुआ टायर है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो घिसा हुआ टायर ने कहा था कि अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो फर्जिकल स्ट्राइक है, ये तो खून की दलाली है। अरे घिसा हुआ टायर, पहले एटिकेट सीख के आओ, पहले पढ़ाई लिखाई करके आओ। प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री छुप रहा है। तीरंदाज अमित जी, अभी जुबे जो आप 10 सेकंड में बात पूरी करना चाहते थे वो आप 50 सेकंड ले लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देश का प्रधानमंत्री कायर है और असली 56 इंच राहुल गांधी का है? सचमुच, सुनिए, सचमुच में तुम कायर हो, 56 का सिर्फ मुखोटा है, अभिनय में महाछलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। अरे टायर नहीं, फायर ब्रांड नेता है राहुल गांधी जी। सच कहा है, 8,000 करोड़ के विमान में लगाते हो प्रधानमंत्री गोता, और हमारा सैनिक जूते और जैकेट के लिए मोहताज होता। जरा भी क्या तुमको दुख दर्द नहीं होता? 56 के होते तो छा जाते प्रधानमंत्री, यू चाइना से मात नहीं खा जाते, अंदर तक घुसा हुआ है चाइना, 1200 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया, और आप कहते हो ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। प्रधानमंत्री जी मजदूर दर दर की ठोकरें खाते हैं प्रधानमंत्री जी, और आपकी सत्ता की सरपरस्ती उनका उपहास उड़ाती है। मुझे एक कारण तो बता दीजिए कि 56 का कहलाऊं? राहुल गांधी जी के कंधे 56 इंची हैं, ये दिखा दिया। एक उन्होंने का उन्होंने कायर ने का उन्होंने घिसा हुआ टायर का था, दर्दनाक हादसा था। आपने कायर पे जवाब दिया, उन्होंने घिसा हुआ टायर का है। राहुल गांधी फायर ब्रांड नेता है, फायर ब्रांड है ये बात, गाड़ी के चारों ये जवाब आया कांग्रेस पार्टी से कि फायर ब्रांड नेता है राहुल गांधी। संबित पात्रा, फायर ब्रांड नेता है राहुल गांधी, जवाब। अरे फायर ब्रांड नहीं लायर ब्रांड झूठा। आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे, मिलॉर्ड मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए गाली कहा, रफाइल में झूठ कहा, मिलॉर्ड मुझे माफ कर दो, ये लायर ब्रांड है। लायर जी एक एक करके ये देखिए, ये देखिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये देखिए घिसा हुआ टायर का स्पोक्स पर्सन को देखिए जरा, ऐसे नहीं करना है भैया, आराम से, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलने लायक रहे कि मैं तो एक कारण तो सर, बताओ सर, सुनिए आपके राहुल गांधी के लिए, सर सुनिए मैं घिसा हुआ टायर के लिए अच्छा अच्छे कुछ अच्छे शब्द कह रहा हूँ, सुनिए सर। अब देखिए अमीश भाई, मैं प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में राहुल गांधी जी को दीर्घायु हो ऐसे प्रार्थना करता हूँ, और इसी प्रकार से वो फायर ब्रांड बने रहें। इसी अगर यही 56 इंच उनकी है तो मैं कहता हूँ और 56+56 हो जाए, और ये हमेशा के लिए, चीरकाल के लिए, आज से 1,000 वर्ष तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन के रहे। अरे ये तो मैं जगन्नाथ जी से, तिरुपति जी से, माता वैष्णव देवी जी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे भैया ना ना ना, मैं फिर आप पहले राहुल गांधी को रोजगार दीजिए, और मैं 20 सेकंड में कंप्लीट करूंगा और बीच में नहीं बोलूंगा, आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप इस प्रकार मत होने दीजिए प्रधानमंत्री जी। ठीक है, अबे जी सभी आपके पास 15 सेकंड, अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर तौसीफ खान, तशरीफ नेमानी, संजय गुप्ता, मैं कैसे बोलूंगा, जब भी बोलता हूं तो बीच में बोलते हैं। मैं 20 सेकंड में कंप्लीट कर लूं जी, 20 सेकंड में कंप्लीट कर लूं केवल। देखिए ऑन अ सीरियस नोट, कायरता क्या होती है आप याद करिए।
आर्टिकल 370 के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी भाषण देते थे वो कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा। 70 वर्षों तक कोई घिस नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन्हें 2 दिन लोकतांत्रिक तरीके से उसे घिस दिया, समाप्त कर दिया। उस समय अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी के इशारे पर कह रहे थे अमित शाह जी को, अमित शाह जी आपने पाकिस्तान से चर्चा की आर्टिकल 370 हटाने से पहले, क्योंकि ये तो बायलैटरल विषय है, ये तो द्विपक्षीय विषय है, अकेले अकेले आप कैसे हटा देंगे। अरे कायर, अरे घिसा हुआ टायर, घिसा हुआ टायर देश के खिलाफ सदन में हुआ था, पार्लियामेंट की प्रोसीडर है, सदन में हुआ था। अधीर रंजन चौधरी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये बात बोली थी। क्या आप किससे पूछ के लेके आ रहे हैं? जिस पर सोनिया गांधी थोड़ा नाराज भी होती है, सदन की प्रोसीडिंग है, आपने देखा होगा, लाइव विजुअल्स में आया था। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, मैं सीधा तस्सीम रहमानी का रुख करता हूं, संगीत रागी में इंतजार करें। पाकिस्तान पाकिस्तान पर उन्होंने बात ही नहीं की। आर्टिकल 370 कांग्रेस पर आरोप ही यह है कि 46 संशोधन तो किससे बात की थी? बायलैटरल मैटर क्या है? ननिहाल इटली के बारे में बात की थी? किसके बारे में बात की थी? ना किसके बारे में बात की थी भैया? जब वो कह रहे थे आर्टिकल 370 बायलैटरल मैटर है, तो क्या ननिहाल इटली के बारे में बात कर रहे थे? किसे वे टायर आप बताइए, किसके साथ था आर्टिकल 370 इज अ बायलैटरल मैटर? किसके साथ था ये? ननिहाल ननिहाल इटली का था क्या? अरे मुझे अब राहुल गांधी जी का नया नाम हो गया इटली के कुरकुरे। अब मैं उनको इटली के कुरकुरे बोलूंगा। छोड़िए छोड़िए, एक घिसा हुआ टायर नहीं है, इटली के कुरकुरे हैं, इटली के कुरकुरे हैं। ये बच्चे बड़े आनंद से खाते हैं इटली के कुरकुरे। अरे झूठ, अरे इटली के कुरकुरे हैं, कुरकुरे तो कुरकुरे तो हिंदुस्तानी ब्रांड है। कुरकुरे तो हिंदुस्तानी ब्रांड है, बच्चों को बड़ा पसंद है। और झूठ बोलना, इटालियन ब्रांड नहीं है कुरकुरे। हाँ हाँ, तो ये नहीं ठीक है। नहीं नहीं, मैं तो चाइनीज ब्रांड नहीं बता रहा हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो घिसा हुआ टायर है उसका नया नाम इटालियन कुरकुरे भी है। देश के बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत चाव से देखते हैं उनको। पीछे आगे से आप पीछे से आलू, आगे से सोना, चिप्स की फैक्ट्री, चिप्स की फैक्ट्री, ये सारा तो करते। इनको क्यों सीरियसली? कौन चाइना भी सीरियसली? चाइना में हीरो बने हुए राहुल गांधी, चाइना भी सीरियसली लेता नहीं है। 15 मिनट में चाइना को उठा के 100 किलोमीटर फेंक दे। किसने रोका था? किसने रोका था? अक्षय चीन ले आते, पीओके ले आते, 15 मिनट में चाइना को उठा के 100 किलोमीटर फेंक दे। रेमानी साहब, चलिए इटालियन कुरकुरे हुआ, फायर ब्रांड नेटा हुआ, कायर हुआ, घिसा हुआ टायर हुआ, लेकिन मैं अब ऑन अ सीरियस नोट आई वांट टू गेट इनटू अ सीरियस डिबेट हियर फ्रॉम हियर। 56 इंच का नेता कौन है? राहुल गांधी 56 इंच के नेता आपको दिखाई देते हैं? रहमानी साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं सीधा। देखिए अमीश जी, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 साल में कुछ सिंबल्स दिए हैं और बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी उसके ऐसे ही कुछ सिंबल दिए हैं। 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री जी ने कहा, घर में घुस के मारेंगे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बीजेपी के लिए एक नेता ने कहा चमड़ी उधेड़ देंगे एक एक की, और इसी तरीके की बातें हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, पुलिस ने कुछ नहीं किया तो पुलिस को हटा के हम आगे आएंगे। ये सारे सूचक किस बात के? ये सूचक है मसल पावर के, कि हम ताकत का इजहार करेंगे, ताकत दिखाएंगे। तो डेमोक्रेसी में तो ताकत वोट की होती है, मसल्स की नहीं होती। पर वो वोट की ताकत भी तो 19वें नरेंद्र मोदी के पास गई है। और बीजेपी पर वो मसल मसल ताकत से थोड़ी जीते चुनाव। कोई बिहार का चुनाव तो है नहीं जो लालू यादव के समय पर होता था कि मसल पावर से चुनाव जीता जाए। आज के युग के अंदर तो नहीं, आप 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे मुझे। सर मैं आपको 30 सेकंड और दे देता हूँ, लेकिन पूरे होने दीजिए। वोट की ताकत से जीते हैं। ताकत ये एसडीपीआई तो चुनाव लड़ी थी, उसका हाल क्या हुआ था बताइए ना? डायर ने किया था यहाँ पर एसडीपीआई, तो उसके बाद जब से नरेंद्र मोदी जीते तब से दंगे के प्लान में लग गई। 2019 के बाद जब से नरेंद्र मोदी रहमानी साहब जीत के आए, एसडीपीआई दंगे के प्लान में लग गई कि भारत को डिस्टेबल कैसे करना है, दंगा कैसे कराना है। अभी यूपी में आपका नाम सामने आया, पहले बेंगलोर में सामने आया, उससे पहले दिल्ली में सामने आया, और वो भी बता रहे हैं या तो वो भी बताइए। लेकिन आपकी खींच तो इतनी है कि नरेंद्र मोदी 2019 में जीत कर आए, उसके बाद आप दंगे की प्लानिंग में लग गए। भाई आप सिर्फ संबित पात्रा की वाणी आपको अच्छी लगती है? ना मुझे तो आपकी वाणी अच्छी लगती है, संबित पात्रा से ज्यादा आप आते हैं मेरे कार्यक्रम के अंदर। कैसी बात करते हैं रहमानी साहब, अनफेयर बात करते हैं। संबित पात्रा से ज्यादा आप आते हैं, संबित पात्रा मेरे कार्यक्रम में 9-10 दिन बाद आए हैं। आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, आप कब आए हैं? आपकी वाणी ज्यादा पसंद है, आप कैसे बात बोल सकते हैं ये? अच्छा, हाँ गाते संबित पात्रा अच्छा है, अच्छा शुक्रिया, उनकी आवाज अच्छी है, लेकिन लेकिन आप तो ज्यादा है संबित पात्रा से। अरे सुनिए मेरे अजीज, अरे बिल्कुल आप भी मेरे बेहद अजीज है, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं।
मेरे अजीज आप ये बताइए कि आखिरकार ये 2019 में 56 इंच का नरेंद्र मोदी जब जीत कर आ गया तो आपने 56 प्लानिंग क्यों करी दंगों की, बताइए। और आपको राहुल गांधी जी 56 इंच के लग रहे हैं? मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए। बिल्कुल सर, यहां पर बात हो रही है कायर की और टायर की, और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो व्यवस्था बनी है वो जनरल डायर की है। तो जनरल डायर की व्यवस्था अगर आप बनाएंगे तो जनरल डायर का जो हशर हुआ था उसको देश ने देखा है, देश ने पसंद नहीं किया। तो कौन है जनरल डायर? तो आपकी राय में जनरल डायर कौन है, कायर, टायर और अब जनरल डायर? अरे भाई, जो लोग ये कहें कि हम तो ताकत के बल पे सरकार को चलाएंगे, वो तो जनरल डायर के ही सूचक है ना। ताकत के बल पे नहीं चलती, कंसेंसस की बुनियाद पे सरकारें चलती हैं, समन्वय की बुनियाद पे सरकारें चलती हैं। तो समन्वय क्या है? एसडीपीआई को, एसडीपीआई और एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपना एडवाइजर बना ले जाए तो समन्वय ये है? और झूठ बोलते हैं ना रहमानी साहब, दंगा मैन्युफैक्चर करने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल को और एसडीपीआई को सरकार अपना एडवाइजर बना ले तो वो समन्वय है? वो समन्वय है? लोग इस देश में लुटियंस गैंग को, इस देश में खान मार्केट गैंग को पूरा मौका मिलता है, वो समन्वय है? आप कहते हैं कि पीएफआई आ गई, आपको लगता है पीएफआई आ गई, अब मजाक बन गया, लोग मजाक उड़ाने लगे हैं कि जहां सरकार नाकाम हुई पीएफआई के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है उठा के। सरकार ताकत के बल पे करना चाहती है, एसडीपीआई, पीएफआई, एमनेस्टी इंटरनेशनल को ऐसा लगता है, और कांग्रेस को तो आपने सुना ही। देखिए अमीश जी, जब हम 56 इंच की सेना की बात करते हैं और घर में घुस करके मारेंगे तो ये अंदर के लिए भारत के लोगों के बारे में बात नहीं की जाती है, हम उन ताकतों के खिलाफ बात करने की बात करते हैं जो हमारी देश में आकर के घुसपैठ करते हैं, जो हमारे देश के प्रति आक्रामक रवैया अपनाते हैं। आप मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट का सवाल किया जाता है, वो 56 इंच कॉमनली यूज किया जाता है। कांग्रेस ने एक प्लेट, प्लीज बेहूदी बातें मत कीजिए, प्लीज मुझे सुनिए, मैंने आपको धैर्य से सुना है। सबके लिए होता है ना भाई, का परिचय देना बंद कीजिए। 2 करोड़ लोग प्लान कर रहे थे, 2 करोड़ लोग सड़कों पे हजारों किलोमीटर जा रहे थे, तब 56 इंच का सीना कहां था? कहा था 56 इंच का सीना, आपने उठा के सोना गिरवी रख दिया देश का, कहा है 56 इंच का सीना? नहीं कहा है, बताइए। जब जवाब सवाल पूछे जाते तो आप बोलने देंगे या मैं सो छोड़ करके चला जाऊं? फिर आपको 100 करोड़ की फंडिंग दिखाई दे रही है, मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। मजाक बन गया देश, मजाक बन गया। तस्लीम रहमानी, इस्लाम का आप परिचय दे रहे हैं, इस्लाम का मतलब ही होता है दंगाई। अरे आप छोड़िए, इस्लाम का मतलब आप अपना परिचय दे रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाले कितने असहिष्णु होते हैं, ये ईमान वाले जो हैं वो कितने गैर ईमान वाले होते हैं ये पता लगता है, ये कुरान वाले कितने गैर ईमान वाले होते हैं ये पता लग रहा है कि भाई का चरित्र क्या है, चरित्र क्या होता है ये पता लग रहा है। रहमानी साहब आप भी तो अनफेयर कर रहे हैं ना, आप भी उनको, आप वो इतनी देर बाद आ रहे हैं, उनको अगर आप 50 सेकंड भी नहीं बोले देंगे, आप 3.5-4 मिनट बोले, आप 3.5-4 मिनट बोले, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। बोले संगीत राज, इस्लाम के मौजू पे डिबेट नहीं, इस्लाम पे मौजू पे डिबेट नहीं हो रही है। आप भी रागी साहब इस्लाम पे मत रहिए, आप अपनी बात को रखिए। कुरान पर तो हम बात करेंगे, कुरान पर तो आप बात करेंगे तो आप कपड़े फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे। कुरान पर जिस दिन मैंने बात करना शुरू किया ना, उस दिन आप कपड़े फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका चाल, चेहरा, चरित्र और घिनौना आतंकवाद सब बाहर निकल जाएगा। डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चरित्र बाहर निकल जाएगा, वही आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंट सरकार का रिपोर्ट, अरे टेलीविजन पर बैठने वाले पाकिस्तानी एजेंट तस्लीम रहमानी, सुनो, इस्लाम का रिपोर्ट कार्ड के लिए अलग बहस, इस्लाम की रिपोर्ट कार्ड पे ये बहस नहीं है, और किसी धर्म के बारे में आप इस तरह की तस्लीम, अभी अरे एक सेकंड, मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे क्या आप लोग? आप इधर उधर, रहमानी साहब आप भी चाहते हैं बहस इस्लाम पे हो क्या?
मजाक बना रखा आप लोगों ने एक नेशनल चैनल के ऊपर। नौटंकी चैनल नहीं है ये, फर्जी काम नहीं करते हम, सच के साथ रहते हैं। ना हम तमाशे में बिलीव करते हैं। है इस देश में कई चैनल जो ऐसा काम करते होंगे, लेकिन अमीश देवगन और उनका चैनल यह काम नहीं करता। हम लाइन में आखिरी खड़े रहेंगे, लेकिन सच के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए हम पे भरोसा है, इसलिए करोड़ों लोग देखते हैं। आज भी आप टीआरपी उठा के देख लीजिए क्या नंबर्स है न्यूज 18 इंडिया के या शो आर पार के। भरोसा है लोगों का। एक चैनल दूसरे चैनल को गाली दे, दूसरा चैनल तीसरे चैनल को गाली दे, उस लड़ाई में नहीं पड़ते हम। मैं कृपया करके कहता हूं, हर धर्म का सम्मान करें, अपनी बात रखें। संगीत रागी, आपको समय कम मिला, मैं आपका समय शुरू कर रहा हूं, 50 सेकंड बोलिए आप। सुन लीजिए, जो 56 इंच का सीना है वो बिल्कुल दिखाया है। PFI जैसे इस्लामिक रेडिकल ताकतों के खिलाफ लड़ाई ये आवश्यक है। ये इस देश में पाकिस्तानी एलिमेंट पैदा किए हुए है। बांग्लादेशियों के खिलाफ जो CAA वगैरह लाया गया है वो बिल्कुल इस देश के लिए है, नहीं तो इस देश में PFI जैसा संगठन इस्लामिक ताकतों को, रेडिकल ताकतों को बढ़ावा देने की लड़ाई CAA के खिलाफ किया है। ये बहुत काबिले तारीफ है। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता था। 1971 के पश्चात 370 का खात्मा करना, आर्टिकल 35 का खात्मा करना किसी भी प्रधानमंत्री के ताकत की बात नहीं थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 56 इंच की सीना वाले हैं। पाकिस्तानी एजेंट तस्लीम एरावे तस्लीम रहमानी, आपने किसान की बात कहां करी? आपने तो शहीन बाग की बात करी। एक तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी को लेके आइए, लेकिन आपने किसान की बात कहां करी मिस्टर रहमानी? आपने तो शहीन बाग की बात करी, आपने 370 की बात करी। जिस दिन रामलला का मंदिर बना आपने बोला काला दिन है। आपने दिल्ली में दंगों की बात करी, आपने बेंगलुरु के दंगों की वकालत करी, आपने आपने उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की बात करी। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई इस्लामिक देशों से। आपने कहा किसानों की बात करी? आपने कहा रोजगार की बात करी? लोकतंत्र की हार के अंदर दंगा फैलाने का काम, क्या लोकतंत्र बचाना है? रहमानी साहब इत्मीनान से जवाब दीजिए। लंबी सांस, 1 सेकंड रहमानी साहब, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। रहमानी साहब लंबी सांस भरिए, पहले लंबी सांस भरिए, फिर उस लंबी सांस को छोड़िए, करिए ये क्रिया करिए। पहले लंबी सांस भरिए, फिर लंबी सांस को छोड़िए, और उसके बाद मेरा सवाल सुनिए। एक पानी का गिलास भी पी लीजिए। लेकिन मैं इत्मीनान से, सर मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, सवाल तो सुनिए भाई साहब, सवाल तो सुनिए। अरे जनाब सवाल तो सुनिए, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आपसे। किसान की बात रहमानी साहब कब करी आप लोगों ने? आपने बेंगलुरु में दंगे की बात करी, दिल्ली में दंगे की बात करी, 370 को हटाने पर आपको तो ऐसा लगा कि पता नहीं सर का ताज चला गया कहीं। राम मंदिर जिस दिन बना, जिस दिन नींव रखी गई, तो जाइए कश्मीर, जिस दिन नींव रखी गई आपने बोला काला दिन है। कश्मीर के लोगों से, अभी कश्मीर के लोगों के साथ, अभी उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा की बात करी। जितना होगा, जितना सीरा चौड़ा खड़े, ये किसान की बात है, ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र का मखौटा और खेल दूसरा। कश्मीर के लोगों के साथ और कश्मीर के साथ जुल्म होगा तो हम खड़े होंगे। संबित पात्रा को लेकर आता हूं मैं चर्चा के अंदर, काफी देर हो गई। तौसीफ खान और संजय गुप्ता इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। 1 सेकंड रागी साहब इत्मीनान रखिए आप भी, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा देखिए, अमीश भाई विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये आपका जो चैनल है न्यूज 18, ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, क्योंकि आपका रीजनल रामिफिकेशन बहुत ज्यादा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस चैनल में एक एक सेकंड महत्वपूर्ण होता है, उसमें प्रधानमंत्री कायर है, उस डिबेट में PFI का स्पोक्सपर्सन का क्या काम है? मैं तो PFI को पाकिस्तान फ्रंट ऑफ इंडिया बोलता हूं, और अब अभी देखिएगा थोड़े दिनों में बैन होने वाला है PFI।
और तो बहुत बहुत बढ़िया है, आप बहुत आप मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दीजिएगा, अभी मत चिल्लाइए मेरे बीच में। कर रहे हैं देश के करोड़ों लोगों को, आप एसडीपीआई के हैं, आप एसडीपीआई के हैं, जो कि जो आप एसडीपीआई के नहीं है, आप एसडीपीआई के नहीं है, आप एसडीपीआई के हैं कि नहीं है। जब भी 56 इंच की बात होती है, जब एफआई का पॉलिटिकल बॉडी, अब मुझे मेरा सवाल सुनिए संबित, यू हैव टू आंसर सम सीरियस क्वेश्चंस टुनाइट, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब भी नरेंद्र मोदी की बात होती है तो तीन बातें सामने आती हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सेकंड टर्म बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत कर आए हैं, लोकतंत्र की हत्या होती है, किसी की सुनते नहीं है विपक्ष की खास तौर पर। पॉइंट नंबर थ्री जो सामने आता है वो ये आता है कि आखिरकार ये सरकार जो चाहे फैसला कर लेती है, यह अपनी मर्जी करती है, चाहे 370 हो, 35 ए हो, चाहे सीए हो, चाहे राम मंदिर। जवाब देता हूं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप लोगों ने नैरेटिव को बदल दिया। चलिए मैं उत्तर देता हूं। पहली बात, आपने कहा यह सरकार किसी की सुनती नहीं है। हमारी सरकार मैनिफेस्टो लेकर आई, मैनिफेस्टो के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर 2014 और 2019 में हम चुनाव लड़े, लोगों ने हमें इतना बड़ा बहुमत दिया, नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी नेता के रूप में स्वीकार किया, तो नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य था कि जिन विषयों को लेकर वो चुनाव में आए थे उन विषयों को पूर्ण करें। राम मंदिर हम बनाएंगे, ये पालमपुर के समय से हम कह रहे थे, राम मंदिर हमने बनाया। हमने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे, तो आर्टिकल 370 हटा के दिखाएंगे, इसमें क्या पूछेंगे। ये सारे जो लोग बैठ के चिल्ला रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 ना हटे, ये चाहते हैं राम मंदिर ना बने। इनमें से कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो गिरा के हम फिर से मस्जिद बना देंगे। ये तो बैठे हैं, ये जो घिसा हुआ टायर के स्पोक्सपर्सन बैठे हुए हैं, ये तो चाहते थे कि आर्टिकल 370 में पाकिस्तान से कंसल्टेशन हो, ये तो चाहते थे कि ट्रिपल तलाक ना हटे। हम सीना ठोक करके अरे भैया इटालियन कुरकुरे के स्पोक्सपर्सन, ओ अरे नकली राम दुलारे हो, असली राम है, तुम बापू के राम बने हो, देखो जरा आग लगा दी देश में, भाजपा के भेष में से आके राम बने हैं। बैठिए सर, बिल्कुल, अरे फिर ये बीच में शुरू हो गए। अरे बताओ, मैंने कहां से इटालियन कुरकुरे के स्पोक्सपर्सन को बोलिए बीच में नहीं चिल्लाएंगे, जब प्रचंड बहुमत से जीत गए। अमीश भाई, मैं बीच में नहीं चिल्लाया था, अमीश भाई मैं बीच में नहीं चिल्लाया था, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले ये जो ट्रैक, इनको जरा चांस चुप करिए, इनको जरा शांत करिए, जरा इनको जरा शांत करिए। अरे अभी मैंने कुछ सीरियस सवाल पूछे, सोफा लगा के बैठ नहीं सकता है, हाथरस के, हाथरस के, हाथरस के मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं संबित, आपके पास 20 सेकंड है। मैं सभी केस पे बताऊंगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री को कायर इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने कहा 1200 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चली गई है। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी और उनके पार्टी के लोग लटके हुए थे ऊपर सैटेलाइट में, जो कह रहे हैं कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई? ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? आप अपनी मर्जी में आएगा तो आप कहेंगे देश की जमीन चली गई, कहां लिखा हुआ है? जवाब नहीं मिला, मैं आगे लूंगा, गद्दार भी है ये गद्दार। नहीं, पहले मैं हाथरस का जवाब दूंगा, पहले आप इनसे पूछिए कहां लिखा हुआ है 1200। आप यहाँ पर चाइनीज एजेंट बनके चाइना का पैसा लाके यहाँ पर इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गाली देंगे और हिंदुस्तान आपको सहेगी? अरे घिसे हुए टायर के स्पोक्सपर्सन, और आज मैं हिंदुस्तान की जनता से निवेदन करता हूँ, अरे भैया सब लोग ट्वीट करो, घिसा हुआ टायर राहुल गांधी इज अ घिसा हुआ टायर, ये टायर फट जाएगा, कई बार पंचर हो चुका है मगर ये टायर आगे नहीं बढ़ सकता। बारह सौ स्क्वायर किलोमीटर चला गया, 15 मिनट में हम चाइना को 100 किलोमीटर फेंक देंगे, तो किसने रोका था? किसने रोका था आपको चाइना को 15 ना किसने रोका था आपको 100 किलोमीटर फेंकने से? मैं सवाल पूछता हूं, किसने रोका था आपको अक्षय चिन्ह लेने से? किसने रोका था आपको पीओके हटाने से, पीओके वापस लेने से? 100 किलोमीटर फेंक दूंगा 15 मिनट में, अरे आप तो 50 साल सत्ता में रहे, 3072 में बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, तब 100 किलोमीटर फेंकना। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंगल ग्रह को उतार के धरती पे लाएंगे, ये मुखौटा उतर गया। हाँ, अभी 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 अभी
मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये इटालियन कुरकुरे खा खा के मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखेंगे। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब बनेंगे 100 किलोमीटर फेंक देंगे। ये मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। सच्चाई जान गया। अरे भैया, जिसके घर में राहुल गांधी हो उसको मुंगेरी लाल का नाम भी नहीं लेना चाहिए। समझ में आया? जिसके घर में राहुल गांधी हो उसको मिस्टर बीन, उसको डोरेमोन, उसको मुंगेरी लाल, इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। और मैं देश से निवेदन करता हूँ, इन्होंने प्रधानमंत्री को कायर कहा, आप सब इनको घिसा हुआ टायर कहिए। ये घिसा हुआ टायर है, लॉन्च नहीं हो सकता है। 100 किलोमीटर चला है चाइना फेंकने के लिए। और ये देखो जरा नीचे पीएफआई का स्पोक्स पर्सन कैसे परेशान है। ये 1200 किलोमीटर जमीन है, इनका भी फंडिंग बंद हो गया है। दोनों कजन ब्रदर्स देखिए, ठीक है, ये फाइव का स्पोक्स पर्सन है, ये चाइना का सी जिनपिंग का स्पोक्स पर्सन। अच्छा, मैं आपको रुकता हूं। तौसीफ खान और संजय गुप्ता का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ये लोग। तौसीफ खान, 56 इंच पर बहस हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, हाथरस की बात हो रही है। क्या आपको लगता है वाकई जो, क्योंकि बंगाल की तो लड़ाई बहुत बड़ी है, जब बंगाल में कुछ होता है तो आपको लोकतंत्र की दुहाई नहीं दिखती, आपको फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप कहते हैं कि देखिए ये नेशनल, खास तौर पर जो नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्रीय सरकार है, वो हमारे राइट्स में इंटरवीन कर रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये दोगलापन, ये दोहरे मापदंड एक्सपोज हो गए हैं और इसलिए आपको लोकसभा चुनावों में भी मुंह की खानी पड़ी? आज भी भारतीय जनता युवा मोर्चा, तेजस्वी सूर्या उसके अध्यक्ष सड़क पर थे और आप लोगों ने वाटर कैनन के साथ, डंडों के साथ पीटा है उन लोगों को। और आरोप तो यह भी है कि एक केमिकल डाल के काम हुआ है, वॉमिटिंग, और वहां पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की बड़ी तबीयत खराब हुई है। लोकतंत्र की हत्या कहां हुई? अब डेरिक ओब्रायन तो हाथरस चल दिए थे। देखिए अमीश जी, मैं यहाँ पे जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश थी। मैं 56 इंच वाले बात पे आपको बात बताऊं, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक बात बता दूं। अभी आपको संबित पात्रा जी ने कहा कि आपका चैनल सब भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है। यकीन मानिए, दूसरे चैनल और दूसरे एंकर को भी वो यही बात कहते हैं, इसी तरीके से बटरिंग करते हैं। आप संबित पात्रा जी के बात का बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। अब मैं आता हूँ 56 इंच वाली बात पे। देखिए, तो जो देश में प्रधानमंत्री तो ने एक गलत काम नहीं किया है, तो बहुत सारे गलत काम है, उनमें से जो एक बड़ा तो देते हैं, बड़ा काम हुआ, बंदूक को गोली चलाते हैं, जो वो मार देते हैं लोगों को। अच्छा, आप शांति रखिए। अरे पात्रा जी, आप शांति रखिए, आपका वक्त आएगा, आपका टाइम आएगा। मैं शांत हो जाता हूँ नहीं तो फिर आप केमिकल फेंक देंगे, गोली भी चला देंगे, मैं शांति हो जाता हूँ। प्रधानमंत्री जी फंस गए। अगर 56 इंच का सीना होता नरेंद्र मोदी का, तो वो हाथरस की बेटी के साथ में ऐसा हरकत होने नहीं देते। और कैसा हरकत, कि मर्डर और रेप तो हुआ ही है, लेकिन रात के अंधेरे में शव को जला दिया गया, उनको अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, उनके माता पिता को घर में बंद करके मनीष शुक्ला को जो ममता बनर्जी की सरकार ने गोली मार के उनकी हत्या करवा दी, उस पर कुछ कहेंगे? 56 इंच का सीना नहीं है। अगर 56 इंच का सीना होता, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ममता बनर्जी आज 56 इंच के सीने के बारे में प्रधानमंत्री की बात कर रही है, तो आप बताइए मनीष शुक्ला को गोली मार के जिस प्रकार हत्या की गई मनीष शुक्ला की, जिनको वो अभी पुलिस स्टेशन के सामने, उस पर कुछ बोलेंगे? ठीक है, समय उनको बोलेंगे 15 सेकंड और फिर मैं। 56 इंच का सीना होता तो हमारे देश के प्रवासी मजदूर, अगर आपने हाथरस की बात करी, हाथरस के विषय में रहते हैं, क्योंकि बड़ा ज्वलंत मुद्दा है पिछले कुछ दिनों में, हाथरस के मुद्दे पर रहते हैं, हाथरस के मुद्दे में खुलासा हुआ है। तौसीफ, लड़ाई नहीं हारते, एक सेकंड, तौसीफ ऑडियो डाउन करिए। तौसीफ, हाथरस के मुद्दे पर खुलासा हुआ है, जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश थी, पीएफआई एसडीपीआई फंडिंग कर रहे थे, इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी, बताइए क्या करिएगा? दो दिन और रुकिए। दो दिन और रुकेंगे ना आप। हाथरस के मामले में उत्तर प्रदेश की तरफ से खुलासा ये हो जाएगा कि हाथी उड़ सकता है, जानते हैं आप ये बात? अभी बहुत खुलासा हो सकता है, आप क्या सारे बात को मान लीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट की सीरियसनेस से हाथरस के विषय पर हाथी उड़ सकता है। सुप्रीम संगीत रागी, क्या आप एफिडेविट में लिख के दो? ठीक है, संगीत रागी को आने दीजिए। एफिडेविट में पीआईए, ठीक है, एक सेकंड जवाब सुन लेते ना संगीत रागी।
हाथरस के विषय में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश हुई और यह सब कुछ सामने आया है। एक पेज बनाया गया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने है। कल हमने गुरुवार बुधवार को एक स्टिंग ऑपरेशन करा है। बोलिए संगीत रागी। देखिए देखिए अमीश जी, देखिए अमीश जी, राहुल गांधी की भूमिका एक संसद सदस्य के रूप में कर लीजिए, राहुल गांधी की भूमिका एक कांग्रेस के नेता के रूप में कर लीजिए, राहुल गांधी की भूमिका एक कांग्रेस अध्यक्ष हाथरस पे, आप क्या कह रहे हैं, मेरा हाथरस पे सवाल है। और राहुल गांधी की भूमिका एक ऐसे नेता के रूप में है। नहीं नहीं, मेरा हमें सारी मुद्दे पर कह रहा हूं। आपने कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन उनका देखा है जिन्होंने संसद में एक आंख मारने के अतिरिक्त और बड़ी भूमिका का निर्वाह किया हो? किसी भी गंभीर बात पर उन्होंने देखा है? श्रद्धांजलि सभा में राहुल गांधी जाते हैं तो वो कैमरे की तरफ देखने के लिए चेष्टा करते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति 56 इंच का सीना आप कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप 56 इंच का सीना से जोड़ हाथरस पर आपसे तौसीफ खान ने सवाल पूछा 20 सेकंड में। अगर आप भी नहीं बोलना चाह रहे, डॉक्टर मात्रा भी नहीं बोलना चाह रहे, अब उम्र नहीं रही, अभी उम्र नहीं हुई है पैर फिसलने की। सुन लीजिए मेरी बात, राहुल गांधी की उम्र पैर फिसलने की नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, अरे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का बात करिए ना। नहीं, डिस्कशन ये है, हाथरस के ऊपर में जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं सर, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए सर, सबको जला दिया प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि हाथरस में कांग्रेस आपराधिक साजिश का हिस्सा है। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी हाथरस के मामले में विपक्षी पार्टियां आपराधिक साजिश का हिस्सा है। बिना तथ्य को जाने हुए वहां पर जो नौटंकी किया है, जो ड्रामा किया है, वो उसका पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। कुछ तो हो भी गया है, कुछ टेप बाहर भी आ गए हैं, कुछ आने वाले दिनों में और भी आ जाएंगे। केमिकल लोचा हो रहा है आपके दिमाग का, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। शब्दों की मर्यादा रखी जाए। आपको कांग्रेस का और दूसरे अपोजिशन का। सर मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो सार्वजनिक जीवन में आ चुके हैं। संजय गुप्ता को मैं लेके आता हूँ। संजय गुप्ता, 56 इंच का नेता कौन है बताइए संजय जी। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो मैं घिसे हुए टायर शब्द का समर्थन करूंगा और ना ही मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का समर्थन करूंगा। हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो ना तो कायर कभी था, ना है और ना कभी होगा। फिर दूसरी बात यह आ जाती है कि 56 इंच का सीना किसका? 56 इंच का सीना उसका जिसने अभी गलवान घाटी में जब चाइना हमारी सरहदों में आने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त एक मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं। 56 सीना शिवसेना का और उद्धव साहब का, जिन्होंने अच्छा जब पाकिस्तान तो का मैच मुंबई में होना था तो मैच नहीं होने दिया, पिच खोद दी गई थी। और अमरनाथ यात्रा पर जब धमकी दी गई थी कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, तो उस वक्त शिवसेना ने कहा था कि अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होगी तो हज की यात्रा भी नहीं होगी, और उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। 56 इंच का सीना उसका जो राम मंदिर पर 3 बार अपनी पूरी टीम के साथ गए। 56 इंच के सीने पे आपने जिनको मुद्दा ही बनाया है, वो मुद्दा ही 56 इंच के सीने वाले नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं, राहुल गांधी शिवसेना को और राम मंदिर पर शिवसेना का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा एक सेकंड भाई, बोलने तो दीजिए संजय गुप्ता को, इतनी देर बाद आ रहे हैं। नया ये तो नया डायमेंशन ले आए हैं, ये तो पूरे कार्यक्रम के अंदर बिग बॉस की तरह वाइड एंट्री इन्होंने कर ली है। राम मंदिर के मुद्दे पर तो है ना, ये तो बिग बॉस की तरह वाइड एंट्री आए हैं। आप कैसी बात, ये वाइल्ड एंट्री है टुवर्ड्स द ब्रेक, ये वाइल्ड एंट्री है टुवर्ड्स द ब्रेक। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी उद्धव ठाकरे 56 इंच सीने वाले गठबंधन में होने के बाद, ये तो बिग बॉस की तरह, बिग बॉस कार्यक्रम देखते होंगे आप, उसकी तरह वाइल्ड एंट्री है ये संजय गुप्ता की। सबित पात्रा खड़े हैं, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। सबित पात्रा, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। शिवसेना का, अरे ये मुद्दा गलत है आपका, 56 इंच का सीना किसका? बहुत बहुत छप्पन, और क्या हो गया राजेश, 56 इंच का सीना उसका राम मंदिर पर
तीन बार गए कोई नहीं गया। चलिए चलिए भैया भैया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पेंगुइन। अरे भैया पेंगुइन का ही छप्पन, पार्टी का नाम बताओ। अरे पेंगुइन का ही 56 इंच का सीना, नहीं मैं बता रहा हूँ पेंगुइन ही 56 इंच का है भैया, 56 इंच का पेंगुइन है पांडा को कह देना ज्यादा परेशान ना हो। 56 इंच का पेंगुइन, 56 इंच का पेंगुइन है, ज्यादा परेशान ना हो। 56 इंच का पेंगुइन मेरे भाई, मेरे मेरे भाई शांति, मेरे भाई पांडा को ठीक रखे। अरे बाबा बाबा आप बाद में ठीक करेगा, पांडा को समझा के रखें, शिवसेना से पंगा ना ले। मैंने मैं तो बोल रहा हूं आप लोग सब 56 इंच के हैं। अरे संजय राउत भी 56 इंच का है, आप भी नहीं पंगा नहीं भैया, आपसे कहाँ से पंगा लेंगे भैया। आप भी 56 इंच के, संजय राउत भी 56 इंच के, आपके वो दोनों क्या है सीएम भी 56 इंच के और पेंगुइन भी 56। आप सब अनुमान जी लग रहे हो, अब आप अंगद लग रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल शिवसेना के सामने बिल्कुल सही, बिल्कुल शिवसेना के सामने बिल्कुल सही पोज में, आप अंगद की पोजिशन में आप बिल्कुल सही हो, आप शिवसेना के सामने हनुमान एक बार हाथ दोबारा जोड़ो, हनुमान से भी जोड़ो, हनुमान मतलब हनुमान बोला आपने मुझे, हनुमान बोला भैया, इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए। नहीं नहीं मैं भैया आपने मुझे हनुमान की उपाधि दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे अंगद हैं, आप हमारे अंगद थे और छोटा सा हनुमान हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है ठीक है, सुनो मेरे भाई, अब इतना परेशान मत हो। ये देखिए ये एक अलग मतलब ये भी 56 इंच के रेस में आ गए हैं कि हमारे सीएम 56 इंच के हैं। बताइए इनके सीएम से तो वो तीन चकिया तो वाहन नहीं संभल रहा है, 56 इंच तो शिवसेना हमेशा से थी। आप जरा हमेशा 56 इंच का आया आपने? नहीं भैया मैं तो बोल रहा हूँ 50। अरे मानिए, अरे क्या 56 इंच मानिए, अरे कम बोल रहे हो भैया, 65 इंच, चलो 65 इंच। आज मैं ज्यादा दे रहा हूँ भैया, अरे भैया, अरे संजय गिरता थोड़ा आराम से, आपकी तो विधानसभा नहीं है। अरे शिवसेना वाले पुरुष थोड़े ही हैं। अच्छा एक सेकंड संबित 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 को 10 सेकंड दीजिए। संबित संबित पुरुष ही नहीं महापुरुष है भैया, आप शांति से सुन लीजिए। संजय गुप्ता ने कुछ कान में भी यंत्र लगा रखे, इनको कुछ ज्यादा आवाज आती है भाई। नहीं नहीं वो तो मैंने कहा था कान से चम्मच निकालो, तो बाद में इन्होंने कहा ब्लूटूथ है, फिर मैंने रिसर्च किया कि टूथलेस टाइगर का कोई ब्लूटूथ कहाँ से आएगा, छोड़ो उसके बारे में तो छोड़ दीजिए। मगर ऑन अ सीरियस नोट, ये डिबेट किस विषय को लेकर हो रहा है? ये डिबेट एक ऐसे विषय को लेकर हो रहा है जिसमें मैं हूँ चाहे संजय गुप्ता, हम दोनों भारतीय हैं। विषय है कि चीन को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कायरता दिखाई और 1200 किलोमीटर चला गया। सवाल उठाया कि 15 मिनट में कांग्रेस पार्टी आती तो कांग्रेस पार्टी चीन को 100 किलोमीटर पीछे। ब्रेक के बाद अमित दुबे आपका भी जवाब लूंगा, मैं ब्रेक के बाद अमित दुबे आपका भी जवाब लूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह शिवसेना ने बोला 56 इंच के तो हम है। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन ये ब्रेक बड़ा ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैं सीधा रुक करता हूं अबे दुबे का, अबे दुबे बड़े सारे ब्रेक से पहले आप पे आरोप लगाए गए, 30 सेकंड का वक्त है, जवाब दीजिए, क्योंकि एंट्री अब उद्धव ठाकरे की भी हो गई है 56 इंच में। देखिए अमीश देवगन जी, देखिए अमीश जी, कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की, कोई जालिम है कोई बेसहारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा तुम देखते जाओ। 14 तारीख को वो दलित बिटिया निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी थी थाने के बाहर, उसकी मांग ने उसका आंचल ढक रखा था और पुलिस कह रही थी नाटक मत करो यहां से ले जाओ। 20 तारीख को पुलिस नाटक ने उसका तो बयान भी हुए, नाटक तो उसके बाद भी हुए। संबित पात्रा 20 सेकंड नाटक तो उसके बाद भी हुए। संबित देखिए हाथरस पे आपने बहुत डिबेट किया और करना भी चाहिए, मगर ये जो विषय है ये चाइना को लेकर है। जो कायर शब्द कहा गया हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान हार गया है, हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दी है जमीन, ये चाइना को लेकर। शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि जनता जनार्दन जिसे जिताए वही असली में 56 इंच का होता है नेता। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।